बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग एंड दिस इज साइमा राव हेयर। इफ आई ड्रॉ दीज पिक्चर्स देन व्हाट अबाउट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज पिक्चर्स? पहली तस्वीर में आपको क्या महसूस हो रहा है? अब अगर मैं दूसरी पिक्चर को ड्रॉ करूं तो आप क्या फील करेंगे? और तीसरी पिक्चर से आपको क्या महसूस हो रहा है? तीन पिक्चर्स हैं और तीनों किसी भी शख्स की जो मुख्तलिफ कैफियत हैं उनको ज़ाहिर कर रही हैं। यानी कि इन तस्वीर में हमें ये भी महसूस हो रहा है जैसे कोई शख्स जो है वो खुश है और वो मुस्कुरा रहा है। इसके साथ साथ हमें जैसा कि ये तस्वीर है उसमें ये महसूस हो रहा है कि वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा गमगीन है, उसे कोई ना कोई उदासी है। और जब हम इस तस्वीर को देखें तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये शख्स बिल्कुल खामोश है, ये किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में सोच रहा है। तो इससे मुराद ये है कि हम किसी भी शख्स को बज़ाहरी तौर पर देखकर उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की मेरी जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि साइकोलॉजी का इन तस्वीर के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो आम तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो या ख़ामोश बैठा हो तो हम आम तौर पर यही बात करते हैं कि इसकी जो परेशानी है या ये जिस बात पर भी गमगीन है उसकी ज़रूर कोई ना कोई वजह हो। तो हम यही बात करते हैं कि इसकी जो भी परेशानी है या जो भी इसके गम की वजह है उसको पहले जानने की कोशिश करें, यानी कि हम इसकी साइकी को जानें। जब हम इसकी साइकी को जानेंगे तो तब हम उस शख्स के बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो हम साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं इसी हवाले से आपसे बात करूंगी कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजी की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आती है। साइकोलॉजी के लफ्ज़ की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी का लफ्ज़ दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। इसमें जो पहला लफ्ज़ है वो है साइकी, जिससे मुराद है सोल, स्पिरिट या फिर ब्रीथ, और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका हम मुतालिया करें उसे लोगोस कहते हैं। और साइकी से मुराद है सोल, ब्रीथ और स्पिरिट। और अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने साइकोलॉजी की तारीफ सोल के हवाले से की है। तो उनमें प्लूटो है। प्लूटो ने साइकोलॉजी को कहा था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। और इसके साथ साथ जब हम एरिस्टोटल को देखें तो एरिस्टोटल ने साइकोलॉजी की ये तारीफ की है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। यानी कि जिस्म और जहन के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद विल्हम वुन ने जो साइकोलॉजी है उसकी तारीफ यूं की है कि साइकोलॉजी
इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस से मुराद ये चीज़ है कि जो मौजूदा वक्त है उस वक्त क्या हो रहा है, यानी कि इस वक्त जो मैं आपके सामने खड़ी आपको कुछ गाइडेंस दे रही हूँ और मैं इस वक्त जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कुछ साइकोलॉजी के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ. तो ये मेरा रवैया मेरे कॉन्शियसनेस को ज़ाहिर कर रहा है. अब हम विलियम जेम्स की तारीफ देखते हैं कि उसने साइकोलॉजी की क्या तारीफ की है. विलियम जेम्स के मुताबिक साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. गोया विलियम जेम्स ने भी साइकोलॉजी की वही तारीफ की है जो कि विलियम वुंड ने की है. अब हम ये देखते हैं कि मैकडॉगल ने साइकोलॉजी की क्या तारीफ की है. मैकडॉगल के मुताबिक साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस. और मैकडॉगल के मुताबिक साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर. और मैकडॉगल की जो तारीफ है उसी तारीफ के मुताबिक साइकोलॉजी को ये कहा जाता है कि ये साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम किसी भी शख्स के मेंटल प्रोसेस को और इसके साथ साथ उसके बिहेवियर का मुतालिया करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि मेंटल प्रोसेस में क्या क्या कुछ शामिल है. मेंटल प्रोसेस में शामिल होती हैं हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और इसके साथ साथ हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स. यानी कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, अपने माइंड में जो कुछ भी हम याद रखते हैं और इसके साथ साथ अगर हमारे जो भी फीलिंग्स हों, हमारे जो भी इमोशंस हों, हम किसी भी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में किस तरह के रवैये का इजहार करते हैं, हमारे क्या जज्बात हैं और इसके साथ साथ हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो सब कुछ मेंटल प्रोसेस में शामिल होता है. अब अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर से क्या मुराद है? बिहेवियर में किसी भी शख्स के जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं वो शामिल हैं और इसके साथ साथ उसकी जो इंटरनल जो फीलिंग्स हैं वो ही बायस बनती हैं किसी भी एक्सटर्नल इमोशन की. तो गोया उसके बिहेवियर में उसके इंटरनल फीलिंग्स और उसकी एक्सटर्नल इमोशंस दोनों शामिल हैं. तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में हमारी मेंटल प्रोसेस भी शामिल है और इसके साथ साथ हमारा बिहेवियर भी शामिल है. गोया
एक शख्स की अगर हम मुकम्मल तौर पर तस्वीर देखें कि उसके दिमाग में किसी भी वक्त क्या चल रहा है और उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से वो जिस तरह के भी बिहेवियर का मुजाहरा करता है तो उसे उस शख्स की साइकोलॉजी कहते हैं। वह साइकोलॉजी किसी भी शख्स की मुकम्मल तौर पर तस्वीर को जाहिर करती है। अब हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी कैसे है। ये इसलिए साइंटिफिक स्टडी है क्योंकि इट सिस्टमेटिकली कोलेक्ट द डेटा अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इट एनालाइज द डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस इट प्रिडिक्ट अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। वो ये सिस्टमेटिकली काम करता है। ये ऐसे नहीं है कि ये किसी भी असूल को या किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये सिस्टमेटिकली किसी भी शख्स के बिहेवियर के बारे में डेटा कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है और उसके बाद उसके बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी of the characteristics of a person जिसमें हम इस बात को देखते हैं कि how he or she think, feel and behave। लिहाजा ये साइंटिफिक स्टडी है जो कि प्रॉपर तरीके से किसी भी शख्स के रवैये के बारे में और इसके साथ साथ उसके मेंटल प्रोसेस के बारे में मालूमात हासिल करता है और उन मालूमात को हासिल करके उनका एनालिसिस करके उनको प्रिडिक्ट करता है। लिहाजा साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने साइकोलॉजी के हवाले से ये बात कही थी। In every conceivable setting, from scientific research centers to mental health care centers, the understanding of the behavior is the enterprise of psychologist. गोया साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए स्कूल में भी बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि उनकी साइकोलॉजी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो टीचर्स हैं उनकी भी आपस में साइकोलॉजी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम रूटीन में अगर हम देखें तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हर शख्स का जो साइकोलॉजी है उसके हवाले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम माशरे में एक मुताबकत की ज़िंदगी गुजार सकें और ख़ुद भी खुश रह सकें और दूसरों को भी खुश रख सकें। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।